गुड इवनिंग एवरीबॉडी लेट्स क्रैक यूपीएससी पी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम बातचीत करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में उस युग की जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी नाम आते हैं और सबसे ज्यादा विदेशी नाम ही नहीं आते बल्कि सबसे ज्यादा कठिन नाम आते हैं और इस युग के राजा उनके सेनापति उनकी कहानियां बहुत कंफ्यूज भी करती हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम आज मौर्योत्तर काल की मौर्योत्तर काल थोड़ा लंबा चलेगा प्लानिंग तो वही थी कि एक ही क्लास में हो जाए लेकिन हमारी टीम का कहना है कि सर एक क्लास में कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ इसी क्लास का नुकसान ये हो जाएगा कि वो जो कठिन नाम है वह मिश्रित हो जाएंगे तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए आज हम उस मौर्योत्तर काल में एक वंश को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मौर्योत्तर काल में हुआ क्या था <coughs> तो पहले संक्षिप्त में जो भी महत्वपूर्ण बातें वो मैं बता देता हूं और फिर कहानी की ओर आते हैं आज थोड़ा सा कुर्सी की पेटिया टाइट बांधिएगा क्योंकि जिस युग में हम आज आपको लेकर जाने वाले हैं आज सफर कुछ ज्यादा लंबा चलेगा कई यूनानी राजाओं से भी मुलाकात होगी और कई भारतीय राजाओं से भी आपका परिचय कराऊंगा तो आज जब हम टाइम मशीन में बैठेंगे और पुराने सारी कहानियों को वापस परत दर परत देखने की कोशिश करेंगे तो कोशिश ये जरूर करनी है कि कहानी के रूप में पूरी पिक्चर समझ में आए ताकि क्लियरिटी रहे कि आखिर क्या चल क्या रहा है नाम मैंने पढ़े हैं तो मुझे भी बहुत कठिन नाम लगे हैं मुझे लगता है कि यह प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आया होगा <coughs> शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ हमारे साथ यदि समय आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मार्च का आज सबसे आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है और आज आखिरी दिन है यदि आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो कुछ ही घंटे बचे हैं इस तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए बाकी 27 मार्च को अनएकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप से आप जुड़ सकते, सकते हैं अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ से आप जुड़ सकते हैं अनएकेडमी स्टोर ओपन हो चुका है 12 मार्च को ओल्ड राजेंद्र नगर में आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच एंड वन टू वन लाइव मेंटरशिप मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लानर ऐसे कई ऑप्शन आपको मिलते हैं और यदि हम बातचीत करें कि लोन की फैसिलिटी से लेकर सारी चीजें आपको मिल सकती हैं एमके के लाइव रिफर कोड के साथ ट्वेल्व मंथ का फ्री ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान दिया जा रहा है आप यदि प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जितने भी महीने का आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे उतने ही टाइम का ऑप्शनल आपको फ्री दिया जा रहा है और यह आज आखिरी है एम के लाइव रिफर कोड के साथ <coughs> बाकी लोन के माध्यम से भी आप इस सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर सकते हैं नए बैचे 16 मार्च से बन रहे हैं आप इनसे भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं एम के लाइव हमारा रिफर कोड है अन पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप इस रेफर कोड को यूज कर सकते हैं एम के लाइव हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त के बाद युग या मौर्य काल विकसित होता है और इस युग में सम्राट अशोक के बाद जिस तरीके का शांति वाला कार्यक्रम अपनाया जाता है वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं कलिंग वाले युद्ध के बाद युद्ध करना नकार देते हैं और जिस तरीके के परिवर्तन उनमें आते हैं उसके बाद फिर धीमे धीमे कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था शक्ति के बलबूते ही चलती है वह शक्ति कमजोर होने लगती है तो पिक्चर में यहां पर मान के चलिएगा कि तीन सीन एक साथ चलेंगे सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांधकर टाइम मशीन में बैठ जाइए आज हम आपको लेकर जा रहे हैं वर्तमान से लगभग 2200 साल पुरानी बात 2200 साल 2300 साल पुरानी बातों में और आप देखेंगे कि 2300 साल पुरानी बातों में जब मैं उस जगह लेकर जाऊंगा तो पहला सीन तो हम देखेंगे यही का जो भारत का मुख्य भाग है कुछ जगह पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि वहां की जो केंद्रीय सत्ता थी सोलह महाजनपद हमने देखे थे उन सोलह महाजनपद में पाटली पुत्र या जो था वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था और अशोक के बाद कुछ ही समय में मतलब हम कहेंगे कि एक दो पीढ़ी के बाद ही वह कमजोर होने लग गया था और उसका कमजोर होना कहीं ना कहीं बाकी जो स्थानीय शासक थे उनको उन शासक जो मगध के अंडर में मानते थे अपने आप को वो अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की शुरुआत करते हैं तो उसका नुकसान होता है कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जो मगध से दूरी ज्यादा दूरी पर था वो तक्षशिला का क्षेत्र हो सकता है वहां पर भी कई राजा विद्रोह करने लग जाते हैं पश्चिमी जो भाग है वहां पर भी कई राजा विद्रोह करने लग जाते हैं तो आपको मैं पहले बता दूं कि आपने अशोक का साम्राज्य देखा आपने देखा कि किस तरीके की संपन्नता थी हमने फिर उसके बाद देखा कि किस तरीके से वहां पर शासन केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली गई और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण किस तरीके से बाकी शासक विद्रोह करने लगे लेकिन पिक्चर का दूसरा सीन और चल रहा है आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर का जो एक तरीके से अभियान था विश्व विजय का भारत तक तो पहुंच चुका था सिकंदर लेकिन सेना का मनोबल गिर चुका था सेना का मनोबल गिरने के कारण एक तरीके से वह लौटता है और रास्ते में ही मौत हो जाती है उसके बाद उनके जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते गए तो जो अगला व्यक्ति आता है सिकंदर के बाद वह भी युद्ध करता है पोरस के राजा के साथ उस युद्ध में पोरस के राजा की हार होती है लेकिन उसकी शक्ति और उसकी क्षमता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और उसे वापस साम्राज्य लौटते हैं लेकिन समय के साथ उनका भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लग जाती है एक तरीके से कहे कि सिकंदर के बाद एक हाथ पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद वहां पर भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लग जाती है वहां के भी क्षेत्रीय राजा विद्रोह करने लगते हैं और वे क्षेत्रीय राजा अब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत की ओर हमला करना के लिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनका जो पूर्वज था सिकंदर वो भारत से काफी ज्यादा संपत्ति या भारत के बारे में उन्होंने सुना होगा कि भारत से भारत पर जिनका कब्जा होगा जनरली वह काफी ज्यादा संपन्न होगा तो वहां के जो क्षेत्रीय राजा हैं अब वो भारत पर आक्रमण करते एक तरीके से विदेशी आक्रमण इस दौर में शुरुआत हो जाता है तो थोड़ा सा पहले हम स्टोरी देखेंगे कि सिकंदर के जाने के बाद वहां पर क्या-क्या घटनाक्रम हो रहा है पिक्चर का एक सीन ये रहेगा पिक्चर के दूसरे सीन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो मगध है वो कमजोर पड़ता है और वहां पर किस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं तो दो तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे एक भारत का पूर्वी भाग और एक भारत का पश्चिमी भाग भारत का पश्चिमी भाग मतलब राजस्थान नहीं उस जमाने में भारत का पश्चिमी भाग मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान तक का क्षेत्र ले लीजिएगा तो कहानी को समझते हुए चलना ताकि चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाए यदि आपने मौर्य काल की क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो क्लास नहीं भी ली हो तब भी आपको आज की क्लास बहुत मजे के साथ समझ में आ जाए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल के उदय उसके पतन के कारण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और जो मौर्य काल था लगभग तीन ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व मतलब 323 जहां से शुरुआत हुई होगी उससे भी 300 साल पहले से लेकर लगभग 184 एट्टी ईयर पहले की बातचीत थी मतलब अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो 184 एट्टी ईसा पूर्व से लेकर हो सकता है 1 एडी तक की ये बातचीत हो जाएगी पहली शताब्दी तक की बातचीत हो जाएगी तो हम उस टाइम पीरियड में अब आपको लेकर जा रहे हैं, जो आज जैसे कि दो चल रहा है तो ये 200 साल और जोड़ लीजिए तो लगभग 2200 साल पुरानी बात चल रही है हम आपको 2200 साल पीछे लेकर जा रहे हैं वस्तुतः मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु मगध महाजनपद था जिसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति मजबूत आर्थिक स्थिति शासकों की, की राजनीतिक महत्वाकांक्षा योग्यता और क्षमता इत्यादि ने मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान करने में अखिल भारतीय स्तर प्रदान करने में अखिल भारतीय स्तर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो हम जानते हैं कि मगध जिस तरीके से महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा जिसने बाकी सभी महाजनपदों को धीमे धीमे अपने कंट्रोल में किया और एक तरीके से पूरे भारत पर उनका शासन रहा हम कह सकते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र से शासन चलता था वो भारत के लगभग इतने भूभाग को कवर कर लेता था वर्तमान के भारत के साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के भी हिस्से को कवर करता था इतना बड़ा क्षेत्र आखिर कैसे खत्म होने के कगार पर आ गया और कैसे विदेशी आक्रमण आए यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे आज आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके की कहानियां यहां पर होने लगी होगी तो मौर्योत्तर काल नामकरण क्यों क्योंकि वास्तविक रूप में मौर्योत्तर काल के बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया जिसने अखिल भारतीय स्तर पर पूरे साम्राज्य को स्थापित किया हो ऐसा कोई शासक नहीं आया जिसने पूरी तरह से इस बात का स्पष्ट रूप से वो अपने आप को साबित किया हो कि अब मैं यहाँ के केंद्रीय सत्ता के रूप में आया हूँ अन्यथा जैसे दिल्ली सल्तनत काल के बाद मुगल काल नाम रखा जाता है क्योंकि फिर मुगलों की केंद्रीय सत्ता स्थापित होती है मौर्यों के बाद ऐसा जनरली कोई एक शासक नहीं रहा जो लंबे समय तक और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरे बल्कि इस समय हमें शासन कई हिस्सों में बटा हुआ मिलता है और इसीलिए मौर्य काल के बाद के सभी शासकों को इतिहास में हम मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं हालांकि सांकेतिक और औपचारिक रूप से अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर मौर्य वंश का शासन विद्यमान था किंतु दक्षिण और पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में उत्तरवर्ती मौर्य शासकों को कड़ा नियं, कड़ा नियंत्रण समाप्त तो हो गया था मतलब कहने के लिए मौर्योत्तर काल के बाद भी मौर्य शासन ही था लेकिन वो शासन वास्तविक शासन इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि दक्षिण भारत में पश्चिम भारत में कई विद्रोह के साथ साथ कई शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास के इस खंड का नामकरण मौर्योत्तर काल किया गया इसके अलावा मौर्य के पतन के बाद दीर्घकाल तक किसी भी अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया जिसके आधार पर ऐतिहासिक युग का विशिष्ट नामकरण किया जा सके मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे आइए देखते हैं वंश के पतन के वैसे कई कारण माने जाते हैं कई इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण था अशोक की वह नीति जिसमें उसने युद्ध को नकार दिया था और कोई भी शासक बगैर युद्ध के न केवल केंद्रीय सत्ता या शक्ति का निर्माण नहीं कर सकता दूसरा कई लोगों को लगता है कि अशोक ने जब दान धर्म बहुत शुरू कर दिया था तो नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ने लग गया था <coughs> कई प्रकार के टैक्स की नई सूचिया सामने आई थी कई इतिहासकारों का मानना है कि इस समय जो केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हो गई थी तो वहां पर कई प्रकार के क्षेत्रीय शासकों के द्वारा भी जो समर्थन या जो मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल पा रही थी तो ऐसे कई कारण माने जाते हैं आइए देखते इतिहासकारों के अनुसार इस युग में आखिर मौर्य काल का समापन क्यों हुआ चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासकों के बाद योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव और प्रशासन के अत्याधिक केंद्रित होने के कारण मौर्य काल का पतन प्रारंभ हो जाता है मतलब मुख्य रूप से माना जाता है कि सबसे बड़ा जो कारण है यह कारण भी है कि अशोक के बाद फिर कोई ऐसा शासक नहीं आया मौर्य वंश में जो उस वंश के अनुसार योग्य हो उसके अनुसार जो उसके पूर्वजों की क्षमताएं थी योग्यताएं थी उसके अनुसार हो और इस कारण से वह शासन को लंबे समय तक नहीं चला पाता है साथ ही साथ केंद्रीय सत्ता जो कि अत्याधिक केंद्रीय होने की ओर कोशिश करने लगी उल्लेखनीय कि 184 एटी फोर एक सौ चौरासी ईसा पूर्व में ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम मौर्य सम्राट थे वृहदत्त और वृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्पमित्र द्वारा की गई थी वृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण निश्चित नहीं इसके पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं वास्तविक रूप में वृहदत्त की हत्या के पीछे माना जाता है कि जिस समय वृहदत्त शासन कर रहा था उस समय पश्चिमी भारत से तक्षशिला वाले भाग से विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे और विदेशी आक्रमण के होने के बावजूद भी राजा युद्ध नहीं करने गया या उनका उनका विरोध करने नहीं गया तो जनता विरोध में थी सेनापति ने इसका फायदा उठाया और बृहदत्त की हत्या कर दी तो बृहदत्त की हत्या होने के बाद फिर मौर्य समाप्त हो जाता है और पुष्पमित्र के द्वारा हत्या की गई है इतिहासकारों ने वंश के पतन के लिए कई कारण बताए हैं हर प्रसाद शास्त्री जो एक जाने माने इतिहासकार हैं उनका मानना था कि धार्मिक विरोधी के अशोक, अशोक, धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इसी कारण से उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में दान दिया था बौद्ध मठों के निर्माण के लिए और यह कहीं ना कहीं एक पेरल धर्म था हिंदू हिंदू धर्म के तो ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण भी उन्हें लगता है कि मौर्य वंश का पतन हुआ हेमचंद्र राय चौधरी सम्राट अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति इन इतिहासकारों के अनुसार डी डी जी के अनुसार आर्थिक संकट ग्रस्त व्यवस्था का होना डी एन अनुसार निर्बल उत्तराधिकारी का होना और रोमिला थापर जी के अनुसार केंद्रीय शासन तंत्र का अव्यवस्थित और अप्रशिक्षित होना मोटे तौर पर कहे तो ये वो इतिहासकार हैं जो कई कारणों के रूप में मौर्य वंश के पतन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर प्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति को मानते हैं हेमचंद्र राय चौधरी उनकी अहिंसक और शांति प्रिय नीति को मानते हैं कोशाम्बी जी उनके आर्थिक संकट या फिर करो की व्यवस्था को मानते हैं डीएन झा मानते हैं कि नहीं उत्तराधिकारी अगर योग्य होता तो परिस्थितियां बन जाती रोमिला था पर केंद्रीय शासन तंत्र का अव्यवस्थित और अप्रशिक्षित होना हम क्या मानेंगे मुझे किसी ने पूछा किसी विद्यार्थी ने कि ठीक है सर आपने तो हमें बताया पर अब हम अगर किसी एक कारण तो हम कहेंगे कि हम सभी कारणों को मानते हैं हम सारे कारणों को मानते हुए कहेंगे कि इनमें से कोई ना कोई कारण रहे होंगे तो यहां सारे वो कारण वर्णित है जो कि मौर्य वंश के पतन के लिए जिम्मेदार थे इस समय जो कि मगध वाला क्षेत्र था वह काफी संपन्न क्षेत्र था बाकी किसी भी क्षेत्र की तुलना में क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ थी व्यापार के लिए भी काफी ज्यादा सरप्लस उत्पादन हो जाता था बाकी क्षेत्रों में ऐसी क्वालिटी नहीं थी तो कहीं ना कहीं असंतोष भी उत्पन्न होने लग गया था कि बाकी क्षेत्रों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है गंगा घाटी का प्रदेश समृद्ध था जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी मतलब उत्तर और नॉर्थ और साउथ में लेकिन गंगा घाटी तो समृद्ध थी गंगा घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी जहां व्यापार व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त थे उत्तर दक्षिण के प्रदेशों में स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं थी नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ और साउथ में स्थिर व्यवस्था नहीं थी यहां तो ठीक था लेकिन यह हिस्सा और इस हिस्से पर कोई भी फिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था जिससे लोगों में एकता का अभाव था सबसे पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के काल में हुआ था और उसने अशोक और उसने अशोक को उसे दबाने के लिए भेजा था बिंदुसार के युग में ही तक्षशिला के लोग काफी ज्यादा दुखी थे नाराज थे क्रोधित थे और उस समय तक्षशिला के उस विरोध को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने बताया कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं ना राजा बिंदुसार के विरोधी हैं, किंतु दृष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं दृष्ट अमात्य अमात्य के बारे में मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया था जरा कमेंट्स करके बताइएगा कि अमात्य कौन थे ये बातचीत हमने अपनी पिछली कक्षा में भी चर्चाएं की थी परिवर्ती मौर्य साम्राज्य में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई परिणाम स्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रहण किया एक अत्यंत विशाल सेना और अधिकारियों के लिए राजा वित्त की व्यवस्था जनता पर करारोपण करके करता था और खास करके अशोक के युग में जिस तरीके के निर्माण कार्य हुए थे शांति का दौर था तो निर्माण कार्य ज्यादा हुए इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया था राजकोष खाली पड़ गया था बौद्ध मठों को काफी ज्यादा मात्रा में दान दिया गया था इसका परिणाम हुआ कि नागरिकों पर टैक्स बढ़ने लग गए थे और कहीं ना कहीं जो राजकोष था उसे भरने की कोशिश की जा रही थी कोटिल्य रचित अर्थशास्त्र में करो की एक लंबी सूची मिलती है इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध संघों को अत्याधिक धन दान में दिया गया जिससे राजकीय कोष खाली हो गया था तो इसकी पूर्ति के लिए परवर्ती शासकों ने विभिन्न कठोर करों को जनता पर आरोपित किया इससे जनता का एक बड़ा वर्ग शासकों के प्रति असंतुष्ट हो गया अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति हरिप्रसाद और हेमचंद्र राय चौधरी जैसे कतिपय इतिहास इतिहासकार <coughs> सम्राट अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति को मौर्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं अशोक की इस नीति के फल स्वरूप कालांतर में पुष्प मित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों के द्वारा शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया इसके अलावा सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अत्याधिक झुकाव प्रकट किया और बौद्ध मठों को भारी मात्रा में धनराशि दान में दी गई इससे समाज के एक बड़े धार्मिक वर्ग में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई जिससे ब्राह्मणों के विद्रोह के लिए आधार निर्मित कर दिया गया था तो यही पुष्प मित्र शुंग है जो बृहदत्त की हत्या भी करते हैं और उसके पीछे का कारण था क्योंकि विदेशी आक्रमण के दौरान भी यह महोदय यह महोदय किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं जब बृहदत्त शासन कर रहा था उस समय दूसरा कारण था मौर्य के पतन का बाह्य कारक अब जरा आते हैं पहली पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी है कि आखिर मौर्य शासक फिर कमजोर क्यों पड़ गए और उसके बाद फिर उनकी हत्या होकर वहां शुंग वंश की स्थापना भी हो जाएगी तो वो एक कहानी का सीन था अब जरा दूसरी कहानी के सीन पर आते हैं जो तक्षशिला वाली साइड पर सिकंदर के लौटने के बाद का क्षेत्र है वहां देखते हैं कि ईरान अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो आइए अपनी टाइम मशीन को अब लेकर चले जाते हैं ईरान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की ओर और, और वहां देखते कि वहां क्या चल रहा है वहां का माहौल क्या है ताकि उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि, कि किस प्रकार की चीजें वहां चल रही होगी जैसे मैंने आपको बताया कि मगध सम्राट जिस तरीके से अपनी नीतियों को या अपने शासन को चला रहे थे धीमे धीमे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ रही थी अब हम बातचीत जो करने जा रहे हैं वह है दूसरे क्षेत्र की कि वहां क्या हो रहा है जब सिकंदर लौटा तो उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरीके की स्थितियां वहां निर्मित हुई और फिर उन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं भारत पर हमले के लिए लोगों को प्रेरित किया और उसी का परिणाम रहा कि भारत पर फिर निरंतर हमलों के कारण कोई भी शासक एक स्थायी शासन निर्मित नहीं कर पाया बाह्य कारक जब भारत में मौर्य पतन की कगार पर था उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो रहे थे मक दुनिया के शासक अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर जिसे कि वहां के लोग अलेक्जेंडर कहते हैं हम सिकंदर कहते हैं अलेक्जेंडर ने अपने वैश्विक विजय अभियान के क्रम में काबुल कंधार बैक् ई के क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था काबुल कंदार तो जानते होंगे बैक्टे क्षेत्र यही है ये था। यहां तक अपना क्षेत्र यहां तक अपना कब्जा कर लिया था पर इसके बाद 326-25 ईसा पूर्व सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया तथा तक्षशिला को बिना किसी युद्ध के जीत लिया इसके बाद सिकंदर ने झेलम तथा चिनाब के मध्य स्थित पुरुराज अथवा पुरु के राजा पोरस के साथ युद्ध किया इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई किंतु पोरस के साहस से प्रभावित होकर क्षेत्र वापिस लौटा दिया अंततः अपनी सेना की थकान और मनोवैज्ञानिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वापिस लौटने का निर्णय लिया और लौटते समय एक साल में ही 324 सौ ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो ये दूसरा पिक्चर का सीन चल रहा है जहां सिकंदर विजयी अभियान पर निकला था लेकिन केवल पोरस के राजा के साथ युद्ध करने के बाद ही सिकंदर लौट जाता है हमने अपनी पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि पोरस क्या कौन थे पोरस का राजा और किस तरीके की वहाँ पर कहानी बनती है किस तरीके का युद्ध होता है तो यहाँ पर अब कहानी ये हो रही है कि सिकंदर मर गया है इधर भी जो बड़े बड़े राजा थे वो भी समाप्त तो हो गए हैं पर ये कहानी 324 की बात बता रही ईसा पूर्व की और इधर लगभग हम 184 की बातचीत कर रहे हैं जब रहदत की हत्या हो रही है तो लगभग 150 साल का गैप है तो थोड़ा सा 150 साल इधर देख लेते हैं कि यहां पर जो सिकंदर के मरने के बाद क्या हुआ और यहां किस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई ताकि उसके साथ फिर इस कहानी को हम जोड़ पाएंगे तो पिक्चर के दो सीन है एक सीन में हम देख चुके हैं मगध को अब पिक्चर का दूसरा सीन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या घटनाक्रम चल रहा है इधर ध्यान दीजिएगा उल्लेखनीय कि सिकंदर की मृत्यु के समय मेसिडोनिया तीरिया बैक्टीरिया पार्थिया अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र एक साम्राज्य के रूप में स्थित थे और सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तो सिकंदर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो है सेल्युकस निकेटर ये जो सेल्युकस निकेटर है यह उसका उत्तराधिकारी है और वह फिर से भारत पर आक्रमण का एक तरीके से प्लानिंग कर रहा है यह पूरा क्षेत्र अब उनके अंडर में है जितने भी नाम हमने आपको बताए मेसिडोनिया का नाम ले लीजिए सीरिया ले लीजिए बैक्ट्रिया ले लीजिए पार्थिया ले लीजिए अफगानिस्तान यह वाला क्षेत्र पूरा इनके कंट्रोल में ही था यह पूरा कब्जा उनका था वस्तुतः यह योजना 305 ईसा पूर्व में उस समय बनाई गई जब चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बन चुका था निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य हुए युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई और संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह भी किया था अब इस पिक्चर में हमने एक चीज और क्लियर कर ली कि उस दौरान उधर मगध में जब यहां सेल्यूकस निकेटर का अभियान चल रहा था तो चंद्रगुप्त उस समय शासन कर रहे थे अभी तो बिंदुसार और अशोक भी नहीं आए हैं तो उस जमाने में सेलुकस निकेटर ने बेहतर तरीके से भारत के साथ एक तरीके के हम कहेंगे व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लिए थे तो एक शांतिपूर्ण काम चल रहा था मतलब पिक्चर का ये सीन आपको बताया इसलिए जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस समय पूरी तरह से दोनों ही क्षेत्रों के राजा जो भी सेंटर में थे वो काफी बेहतर तरीके से सामंजस से स्थापित करते हुए अपने शासन को चला रहे थे सेलुकस ने चंद्रगुप्त को चार प्रांत दहेज अथवा उपहार स्वरूप दिए थे काबुल जिसे पैरो पेनिस डाई भी कहते हैं कंधार अराकोसिया कहते थे वहां के लोग बलूचिस्तान, जेड्रोसिया कहते थे और हेरात जिसे एरिया कहा जाता था इस प्रकार सिकंदर द्वारा विजित काबुल और कांधार के क्षेत्र पुनः भारतीय साम्राज्य के अंग बन जाते हैं तो सिकंदर ने जिन क्षेत्रों को भारत से जीत लिया था वह क्षेत्र फिर से भारत के पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाते हैं कहानी में आगे बढ़ते हैं सिकंदर की मृत्यु के बाद मकदुनिया के शासक का विशाल साम्राज्य नेतृत्वहीन हो गया यहां से प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गया अब ध्यान से सुनना देखो भाई क्या चीजें होती हैं ये जो सेल्युकस निकेटर मरता है उसके बाद फिर ऐसा कोई प्रबल सेनापति ऐसा कोई योग्य शासक इनको नहीं मिलता जो उनके पूरे साम्राज्य को एकजुट कर सके संभाल सके तो जब वहां की केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो आने वाले समय में जो मगध में होने वाला है वो इधर शुरू हो जाएगा तो यहां के जो स्थानीय शासक हैं वो विद्रोह करेंगे पर वो जानते कि यदि उन्हें शक्तिशाली बनना है तो उनके पास कोई नया क्षेत्र आना चाहिए और फिर ये शासक भारत की ओर हमला करने के लिए आकर्षित होंगे पहले तो कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक तरफ पिक्चर मैंने बता दी कि हम जो आज बातचीत करने वाले हैं कि मगध का साम्राज्य कैसे कमजोर होता है वृहदत्त की मृत्यु होती है और उसके बाद फिर क्या घटनाक्रम होता है लेकिन उससे पहले डेढ़ सौ साल पहले की हम कहानी देख रहे हैं जो बैक्टीरियाई क्षेत्र की कहानी है और यहाँ की कहानी में हमें पता चला कि सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर के बाद फिर अनुभव ही ना देने लग जाते हैं लोग और उसका नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता वहां वाली कमज़ोर पड़ने लग जाती है जीएस पेपर दो का पोस्टमार्टम एग्जाम रस पर सोमवार से होगा एग्जाम रस पर सोमवार से वापिस सारी कक्षाएं शुरू होगी अब इस पर गौर करो बेटा ठीक है अब आगे बढ़ रहे हम लोग पल स्वरूप सत्ता और साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय शासकों में आंतरिक रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई थी हालांकि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्युकस निकेटर ने यूनानी साम्राज्य के शासक को क्रमबद्धता प्रदान की थी लेकिन निकेटर के बाद फिर कोई नहीं किंतु इसके बावजूद कुछ शासकों ने सिकंदर के साम्राज्य को अपनी क्षेत्रीय सुविधा और क्षमता के अनुसार अपने नियंत्रण में लिया जबकि कुछ शासकों ने भारत जैसे क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया और इसी क्रम में भारत में विदेशी आक्रमणों का पुनः एक दौर प्रारंभ हुआ तो जब सेल्यूकस निकेटर नहीं रहा तो जो शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा वह अपने आप को केंद्रीय सत्ता में स्थापित करना चाहेगा वो जानता है कि केंद्रीय सत्ता में स्थापित होने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी पैसों की जरूरत पड़ेगी और वह भारत में उसे मिलेगा इसलिए फिर वो भारत की ओर आकर्षित होते हैं आक्रमण के लिए हमले के लिए जिनका पहला क्लास है मैं बता दूं कि हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है मौर्य काल के बाद किस तरीके के भारत में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और किस तरीके से भारत की राजनीति बदल रही होगी हाँ बिल्कुल एज इट इज नोट्स बनाइएगा पूरी कहानी जैसे कि मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी टीम जिस तरीके से वर्क करते हुए कहानी के रूप में चीज़ों को तैयार कर रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा यदि आप लोग देखेंगे किताबों को या फिर किसी भी और तरीके की चीज़ों को तो आप देखेंगे कि बहुत कंफ्यूज करेंगे लेकिन जिस तरीके से कहानी के रूप में चीजों को बताने का हमारा प्रयास है वो आपको रटना नहीं पड़ेगा केवल नाम याद करने पड़ेंगे लेकिन आपको कहानी समझ में आएगी कि हो क्या रहा है और किस तरीके की चीजें इसमें बेटर चल रही होगी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे बिल्कुल बिल्कुल मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति भी तब समझ में आएगी जब हम इस चीज़ को समझेंगे मैंने आर्ट एंड कल्चर की क्लास इसीलिए रुकवाई थी क्योंकि पहले तो इतिहास देखो आर्ट एंड कल्चर तभी बढ़िया से समझ में आएगा जब हम प्राचीन भारत के इतिहास का हल्का फुल्का वर्णन जानते हैं यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास को नहीं जानते तो वो आर्ट एंड कल्चर रटना पड़ेगा तो पहले समझने की कोशिश इसको करते और फिर उस पर आर्ट एंड कल्चर पर भी हम वापिस आ जाएंगे चूंकि समय तक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका था इन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत के पश्चिमोत्तर भाग में साम्राज्य स्थापित करना सरल हो गया इसके अलावा दक्षिण भारत के कतिपय भागों में भी स्थानीय शासकों द्वारा केंद्रीय मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था तत्कालीन परिवर्ती मौर्य शासक अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग न तो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कर सके और न ही पश्चिमोत्तर भाग को सुरक्षित रख सकने में तो मौर्य साम्राज्य पर दो तरीके से हमला हो रहा है एक तो दक्षिण भारत के स्थानीय शासक विद्रोह कर रहे हैं और इधर सेल्यूकस निकेटर के बाद वहां के जो क्षेत्रीय शासक हैं जो अपने आप को केंद्रीय सत्ता में लाना चाहते उनसे भी ये व्यक्ति बच नहीं पाएगा तो दो तरीके से चीजें हो रही हैं, दो तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। विश्लेषण वस्तुतः यह काल राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और परिवर्तनकारी था, जहां एक और आंतरिक स्तर पर मौर्य शासन के अंतर्गत बड़े अधिकारी वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो रही थी जिसने क्षेत्रीय स्तर पर मौर्य वंश के विरुद्ध गुटबंदी का मार्ग प्रशस्त किया था जो भी मौर्य से मौर्य वंश के जुड़े हुए सेनापति थे बड़े बड़े अधिकारी थे उनके अंदर भी एक तरीके का भाव पैदा हो गया था कि वह भी शासक बन सकते हैं उनको भी एक तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जन्म ले चुकी थी तो वो गुटबंदी कर रहे थे कि कौन सा राजा इस मौर्य के खिलाफ जा सकता है वही दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे थे वस्तुतः मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासकों ने लगभग समस्त भारत जैसे एक विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता युक्त क्षेत्र पर साम्राज्य तो स्थापित कर लिया था किंतु साम्राज्य को निरंतरता प्रदान करने के क्रम में परिवर्ती मौर्य शासक अक्षम सिद्ध हुए मतलब उसी शासन को केवल चलाना था उसी शासन को केवल कंटिन्यू रखना था जो कि आने वाले शासकों की पीढ़ी नहीं कर पाई तो कहानी अब थोड़ी सी बदल इसलिए रही है क्योंकि शासन तो स्थापित कर दिया गया अशोक के द्वारा लेकिन उसको निरंतरता नहीं दे पाई और उसका परिणाम उसका कारण है एक तरफ तो वह कमजोर पड़ रहे हैं करों की उगाई नहीं हो पा रही है शांति की नीति अपनाई है साथ ही साथ दो तरीके से एक साथ हमले हो रहे हैं दक्षिण भारत में भी विद्रोह उत्पन्न हो रहा है और पश्चिम भारत में भी तो ये केंद्रीय सत्ता को अब दो तरीके से चुनौती मिलेगी एक दक्षिण से और एक पश्चिम से और देखेंगे कि फिर ये चुनौतियों को कैसे हल कर पाएंगे हालांकि मौर्य के पतन के संबंध में शासकों की अयोग्यता एक महत्वपूर्ण कारक रहा किंतु तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि उस युग में भारत जैसे बड़े भूभाग पर साम्राज्य को स्थापित बनाए रखना कठिन था मतलब उसे चलाना भी अपने आप में बहुत कठिन था विशेषकर उस संदर्भ में जब संचार और आवागमन के कुशल साधनों के अभाव त्वरित सूचना का आदान प्रदान किया जाना कठिन हो इसके अलावा परिवर्ती मौर्य शासकों के पास चंद्रगुप्त और अशोक जैसी न तो दूरदर्शिता और कूटनीतिक चपलता थी और न ही कौटिल्य जैसे मार्गदर्शक और नीतिकार थे उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी मोरे वंश के पतन और नवीन साम्राज्यों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई तो एक प्रश्न हमारी टीम ने बनाया है मौर्य का पतन तथा मौर्योत्तर काल में विभिन्न वंशों का शासन स्थापित होना ऐतिहासिक घटनाक्रम एक स्वाभाविक प्रवाह था जो नवीन आयामों को विकसित करने की प्रवृत्ति से युक्त था मतलब ये जो मौर्योत्तर काल आता है ये स्वाभाविक था मतलब इसके लिए कोई विशेष काम नहीं किए गए ये अपने आप हुआ है क्योंकि वहां पर केंद्रीय सत्ता उस पूरे साम्राज्य को संभाल नहीं पाई थी अब आते हैं भारत में विदेशी शासन यहां से अब कहानी समझनी है तो दो पिक्चर के सीन पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं कि उधर पश्चिम में क्या चल रहा है और इधर मगध वाले क्षेत्र में क्या चल रहा है दोनों के बारे में क्लैरिटी बन चुकी है अब हम देखते हैं कि भारत पर कौन से विदेशी शासक हमला करेंगे या भारत पर कौन से विदेशी शासकों का आना जाना होगा पहला इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन आज हम इन्हीं को ही समझ पाएंगे आज हम हिंद यवन को ही समझ पाएंगे फिर हम आएंगे शक अथवा सिथियन पर फिर हम आएंगे पहलव अथवा पार्थियन पर फिर हम आएंगे कुशान अथवा युची कबीला पर तो आज हम इनको समझेंगे कि ये कैसे आए क्या क्या इन्होंने किया किस तरीके की बातचीत की क्या परिवर्तन आए सारी कहानियां आज हम इनकी समझने की कोशिश करेंगे भारत में हिं, हिंद यवन हिंद यवन को इंडो ग्रीक भी कहते हैं इंडो ग्रीक या हिंद यवन हिंद यवनों के शासन काल का दो भागों में अध्ययन किया जाता है एक तो यूक्रेटाइडिस शाखा के रूप में और एक यूथी डेमस अथवा डेमेट्रिस शाखा के रूप में मतलब यहां जो हिंद यवन शासक अब आ रहे घबराना नहीं ये कौन से आएंगे सारी कहानी समझ में आएगी पर भारत पर भारत जो हिंद यवन है जिसे इंडो ग्रीक के नाम से हम जानते हैं इनको हम दो भागों में समझेंगे पहले तो है युक्रेडाइटिस युक्रेटी टाइडिस यूक्रे यूक्रे यूक्रेटाइडिज यूक्रेटाइडिज और दूसरे हैं यूथीडेमस 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 को डेमिट्रियस भी कहा जाता है डेमिट्रियस भी कहा जाता है तो यूक्रेटाइडिस यूक्रेटाइडिस और यूथीडेमस अब समझना ये है कौन ये महोदय है कौन इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन आइए शुरुआत कर रहे हैं पहले विदेशी शासक को समझने की भले ही ये शासक भारत के मूल भूभाग पर नहीं आते लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं भारतीय कला संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं वस्तुतः शासक वर्ग की जड़ें सिकंदर से जुड़ी हुई है मौर्य काल के समानांतर ही सिकंदर के मुख्य सेनापति सेलुकस निकेटर ने बैक्टीरियाई पारशियाई आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान सहित सिकंदर के साम्राज्य के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हिंद यवन कौन है तो ये वास्तविक रूप में सिकंदर के बाद सेलूकस निकेटर उसकी मौत के बाद फिर आगे क्या हो रहा है उसी में आगे बढ़ रहे हम लोग तो ये जो बैक्टीरियाई क्षेत्र था पर्शियन क्षेत्र था पर्शियन मतलब ईरान वाला क्षेत्र क्षेत्र मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र से अपने क्रमशः सेल्यूकस द्वितीय सेल्यूकस तृतीय साम्राज्य के, के उत्तराधिकारी बनते हैं तो सेल्युकस निकेटर की मौत के बाद सेल्युकस सेकंड और सेल्युकस थर्ड साम्राज्य में शासक के रूप में है तो अगर हम बातचीत करें तो यहां पर अब कहानी में हम देख रहे हैं कि सेलुकस निकेटर मरता है और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र और उसके पोते बन रहे हैं और वो कहां से शासन चला रहा था सीरिया से सोचिए सीरिया जगह से सेलुकस तृतीय के शासन काल में पर्शिया पर्शिया ईरान अफगानिस्तान तथा बैक्टेरियाई में केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दो बड़े विरोध होते हैं इस समय बैक्टेरियाई का शासक ये पर्शिया मतलब ईरान को कहना और बैक्टेरियाई अफगानिस्तान के वाले क्षेत्र को कहना यह उल्टा हो गया है इस समय बैक्टेरियाई का शासक डिओडोटस था और लगभग सेल्यूकस तृतीय अथवा एंटीओकस के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था कहानी में समझना अब कहानी समझा रहा हूं सेल्युकस निकेटर की मौत हुई उसका बेटा शासन करने लगा उसके बेटे का बेटा सेल्युकस तृतीय शासन करने लगा सेलुकस तृतीय वास्तविक रूप में सिकंदर के उस पूरे भूभाग का शासन संभाल रहा है मान के चलो लेकिन अब वो केंद्रीय रूप में इतना मजबूत नहीं रहा तो एक जो क्षेत्र है जिसे हम कहेंगे कि बैक्टीरियाई का जो क्षेत्र था जो कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जो अफगानिस्तान वाला भूभाग है ना वहां पर एक शासक था वह शासक अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है वो कहता है कि मैं सेल्युकस निकेटर के अब अंडर में नहीं हूं मेरा अपना स्वतंत्र शासन है वह महोदय कोई और नहीं महोदय डिओडोटस डियोडोटस था सेल्यूकस तृतीय का दूसरा नाम एंटीओकस भी है एंटीओकस तो डियोडोटस जो कि कहां का शासक था बैक्टीरिया का शासक था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है डिओडोटस के अगले उत्तराधिकारी डिओडोटस द्वितीय द्वारा बैक्टीरिया को यूनानी अथवा सीरियाई सत्ता से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया जाता है तो डिओडोटस का बेटा द्वितीय भी यही कर रहा है कहानी में ट्विस्ट देखना इधर ध्यान से सुनिएगा जो बैक्टीरियाई क्षेत्र है वहां का शासक सबसे पहले विद्रोह कर रहा है जैसे सत्रह प्लासी की लड़ाई बंगाल का जो शासकता सबसे पहले विरोध उत्पन्न करता है और केंद्रीय सत्ता मुगल के पहले ही स्वतंत्र घोषित करता है क्योंकि वो संपन्न था बैक्टेरियाई क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही था कि यहां का डिओस जो शासक है वो अपने आप को स्वतंत्र मुक्त घोषित कर रहा है।, अब उसका बेटा जब करता है तो वह भी अपने आप को मुक्त घोषित कर देता है कि अब मैं सीरिया के कंट्रोल से बिल्कुल खत्म हो चुका हूं या वो जो केंद्रीय सत्ता उस जगह पर सेल्यूकस निकेटर और उसके वंशावली की चल रही है उनसे अब मैं स्वतंत्र हो चुका हूं उनसे मैं स्वतंत्र हो चुका हूं किंतु शीघ्र ही डियोडोटस द्वितीय के सेनापति यूथिडेमस डेमस ने डियोडोटस द्वितीय की हत्या करते हुए स्वयं को बैक्टीरिया क्षेत्र का नवाब घोषित कर दिया <laughs> अब कहानी में आया ट्विस्ट बैक्टीरियाई क्षेत्र का शासक डिओडोटस स्वतंत्र घोषित कर देता है अपने आप को उसका बेटा डिओडोटस द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है और उसका सेनापति युथी डेमस उसकी हत्या कर दे रहा है नाम थोड़ी कठिन है घबराना नहीं युथी उसकी हत्या कर देता है अब वो जो सेलुकृति है उसको पता है कि बैक्टीरियाई क्षेत्र का जो राजा था उसकी हत्या हो गई है लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि यहां राजनीति क्या कहती है अच्छा हुआ उसके साथ हमारे साम्राज्य को छोड़कर चला गया था तो निकेटर में जो तृतीय है वह इस तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन उसको यह पता है कि अब राजा मर चुका है सेनापति के कब्जे में है चीजें तो वह कोशिश कर सकता है कि बैक्टीरिया क्षेत्र वापस उसके कब्जे में आए तो राजा की मौत हुई उसके सेनापति के द्वारा और सेनापति जो कि यूथी डेमस था यूथीडेमस वह बैक्टीरिया क्षेत्र का नवाब बन जाता है हालांकि डिओडोटस द्वितीय द्वारा बैक्टीरिया को लगभग स्वतंत्र घोषित करने की जानकारी तत्कालीन केंद्रीय शासक सेलुकस तृतीय को थी इसके बावजूद सेल्यूकस तृतीय ने डिओडोटस का विरोध नहीं किया क्योंकि औपचारिक रूप से अभी भी बैक्टीरियाई शासक स्वयं को केंद्रीय सत्ता का भाग मानते हुए निष्ठा व्यक्त करता था किंतु यूथीडेमस द्वारा बैक्टीरियाई क्षेत्र पर अधिकार किए जाने पर तृतीय तुरंत केंद्रीय शासक सेल्यूकस तृतीय ने उसे अपने दरबार में बुलाया तो ध्यान से सुनना कहानी फिर से सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का अगला उत्तराधिकारी सेल्युकस निकेटर की मौत के बाद सेल्युकस द्वितीय बनता है सेल्युकस द्वितीय के बाद सेल्युकस तृतीय बनता है उसके शासन काल में बैक्टीरियाई का जो शासक है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है उसका बेटा भी उसे पूरी तरह से स्वतंत्र साम्राज्य घोषित करता है ये सेल्यूकस तृतीय को सब पता है लेकिन जो शासक का बेटा है उसके सेनापति के द्वारा उसकी हत्या होती है सेनापति का नाम यूथी है यूथी अब अपने आप को नवाब घोषित करता है लेकिन जैसे ही वो अपने आप को नवाब घोषित करता है तो सेलूक तृतीय मैसेज भेजता है यूथी को कि मेरे दरबार में आओ और मुझे बताओ कि तुम हमारे अधीन रहोगे कि नहीं यूथी थोड़ा सा बदमाश था यूथी स्वयं नहीं जाता है अपने बेटे को भेजता है और यूथी डेमस जब अपने बच्चे को भेजता है अपने बेटे को भेजता है तो उसका बेटा काफी योग्य और काबिल था सेलुकस तृतीय उसके बेटे की काबिलियत से खुश हो जाता है और सेलुकस तृतीय अपनी पुत्री की शादी यूथी डेमस के बेटे से कर देता है अब यहां वैवाहिक संबंध आ गए तो शादी हुई है भाई बेटी की हुई है तो दहेज के रूप में जैसे लोग सोचते हैं गलत चीज है वो पर जैसे कि शादी होती है तो सेल्यूकस तृतीय बैक्टेरियाई क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि ठीक है ये स्वतंत्र ही रहेगा तो बैक्टेरियाई क्षेत्र पहले शासक के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया जाता है उसके बेटे की हत्या सेनापति के द्वारा होती है सेनापति नवाब बनता है केंद्रीय सत्ता नवाब को बुला रही है वो अपने बेटे को भेजता है उसका विवाह उसकी बेटी से होता है और फिर से वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाता है क्या यह कहानी समझ में आ रही है कितने लोग अब इस कहानी को समझ पा रहे हैं युथी ने स्वयं सेलुकस तृतीय के दरबार में न जाकर अपने पुत्र डेमिस्ट्रियस को भेजा डेमिस्ट्रियस को भेजा डेमिस्ट्रियस की सुंदरता और योग्यता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह डेमिस्ट्रियस से कर दिया साथ ही यूथिडेमस डेमस के अधीन बैक्टीरियाई क्षेत्र को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी मान्यता प्रदान कर दी तो ये जो कहानी हमने आपको यहां शुरुआत की थी कि एक तो यूक्रेटाइडिस की शाखा और दूसरी यूथी डेमस ये जो यूथी डेमस था या उसका जो यूथी डेमस का बेटा है ये वही बातचीत चल रही है तो डेमिस्ट्रियस के साथ उसकी बेटी का विवाह हुआ अपने पुत्र सेल्युकस के दरबार में ना भेजकर डेमिस्ट्रियस को भेजा डेमिस्ट्रियस के साथ उसकी बेटी का विवाह हुआ केंद्रीय सत्ता से मान्यता प्राप्त होने और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद डेमिस्ट्रियस भारत विजय की ओर प्रस्थान करता है अब डेमिस्ट्रियस को क्लियरली समझ में आ रहा है समझना आप जरा ध्यान से अब ये डेमिस्ट्रियस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग गई डेमिस्ट्रियस को लगा कि मेरे पास तो सेलिकस तृतीय की पुत्री तक है और मैं तो स्वतंत्र शासक हूं ये बैक्टीरियाई क्षेत्र नजदीक है ना भारत के अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र भारत के नजदीक है तो अब वो कह रहा है कि अब मैं भारत पर हमला करूंगा और उसे पहले से पता है कि भारत के पास शक्ति का विकल्प बढ़ाने के लिए काफी विकल्प है पैसा है संपदा है <coughs> क्या ये बात समझ में आ रही है पूरी तरह से क्लियरिटी बनती चली जा रही है और पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए कि सेलू का केंद्रीय सत्ता कमजोर बैक्टीरिया क्षेत्र का राजा अपने आप को स्वतंत्र करता है उसका पुत्र भी स्वतंत्र करता है उसकी हत्या उसका सेनापति करता है सेनापति अपने जैसे ही नवाब डिक्लेयर करता है तो सेलू तृतीय उसे बुलाता है उसका बेटा आता है उसकी पुत्री के साथ विवाह और अब उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी है और वो चाहता है कि अब भारत को जीता जाए भारत को जीतने की चाह है क्योंकि सिकंदर के समय से यूनानी शासक भारत की संपन्नता से आकर्षित थे किंतु इसी समय सेलुकस तृतीय की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र सेलुकस चतुर्थ सीरियाई अथवा यूनानी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बनता है सेलुकस तृतीय की पुत्री का विवाह हो गया लेकिन अब सेलुकस तृतीय की मौत होने के बाद सेलुकस चतुर्थ उसका बेटा साम्राज्य संभालता है चतुर्थ साम्राज्य संभाल रहा है, और उसकी बहन उसकी बहन बैक्टीरियाई के शासन काल में दी गई है बट ये महोदय जो चतुर्थ वाला है ना वो कहता है कि जो हमारे जीजा है ना उनका कोई स्वतंत्र अधीन नहीं है वो हमारे कब्जे में ही है वो बैक्टीरियाई क्षेत्र भी हमारा ही है अब देखना जो मतलब भाई और बहन का ही एक तरीके से विरोध शुरू हो जा रहेगा मतलब ये जो भाई हैं, ये कह रहा है कि वो बैक्टेरियाई क्षेत्र भी हमारा ही है कहानी देखना अब आगे कहा ट्विस्ट की ओर जा रही है सेलुकस चतुर्थ एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था देखो एक्चुअली इसको सेलुकस चतुर्थ को एक तो बैक्टेरियाई क्षेत्र चाहिए था पर उसको पता था कि अगर ये भारत पर हमला करेगा तो हो सकता है कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि हम पर हमला कर दे तो सेलुकस यहां क्या दिमाग लगा रहा है कि पहले से ही उसको कह रहा है कि नहीं तुम मेरे ही शासक के अंदर शासन के अंदर आओगे शासन बनने के बाद पुनः बैक्टेरियाई क्षेत्र को केंद्रीय साम्राज्य बनाने की मांग करता है किंतु उसे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता वह कहता है कि बैक्टेरियाई क्षेत्र मेरे अधीन मानो पर उसे कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है डेमिस्ट्रस की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है तो अब देखना क्या होगा चतुर्थ अपने सेनापति युक्रेटाइडिस को सैन्य अभियान के माध्यम से बैक्टीरियाई क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु तो भेजने का निर्णय लेता है इसकी जानकारी बैक्टीरिया के तत्कालीन शासक डेमिस्ट्रियस को प्राप्त होती है अब उसका जो सेनापति है सेल्यूकस चतुर्थ का युक्रेटाइडीज यूक्रेटाइडीज यही महोदय <coughs> इधर ध्यान दो बेटा सेनापति किसका है सेल्यूकस चतुर्थ का अपने ही बहन के विरुद्ध हमला करवा रहा है केवल राजा के महत्वाकांक्षा के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए तो यूक्रेन टाइडिस को भेज रहा है सैन्य अभियान के साथ की बैक्टीरिया पर कब्जा कर लो हमारे जीजाजी का सही आंसर नहीं आया है हमें अब यह हमला होगा तो यह महोदय भी यहां से भागने की कोशिश में रहेगा क्योंकि वो जानते कि केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय सेना ज्यादा शक्तिशाली है केंद्रीय सेना ज्यादा शक्तिशाली है इसकी जानकारी डेमिस्ट्रस को मिलती है अब डेमिस्ट्रस के सामने तीन ऑप्शन थे पहला कि वह केंद्रीय क्षेत्र केंद्रीय शक्ति के साथ युद्ध करे पहला कि वह सेल्यूकस चतुर्थ के सेनापति यूक्रेटाइडिस के साथ लड़े या तो स्वीकार कर ले या तो स्वीकार कर ले या भारत की ओर चले भारत की ओर चले उसको लगता है कि भारत की ओर जाएंगे तो ज्यादा आसान है और उसे क्यों लग रहा है क्योंकि ये इस दौर में उसे पता है कि जो भारत का केंद्रीय सत्ता थी वो भी कमजोर हो चुकी है इस महोदय को अब ये पता चल रहा है कि भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर है भारत पर यही मौका है हमला करने का इधर ध्यान देना आप द्वितीय वह बैक्टीरियाई क्षेत्र को पुनः केंद्रीय सत्ता के साथ मिला दे या तीसरा कि डेमिस्ट्रियस के समक्ष भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने का विकल्प शेष था डेमिस्ट्रियस ने अनुभव किया कि यदि केंद्रीय शक्ति के द्वारा बैक्टीरियाई को से छीन लिया जाता है तो भारत में सत्ता स्थापित करने के फलस्वरूप उसके पास अधिक श्रेष्ठ विकल्प रहेगा और यदि वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गया तो कालांतर में केंद्रीय सीरियाई शक्ति को भी चुनौती देने में सक्षम हो जाएगा डेमिस्ट्रियस दिमाग लगा रहा है कि यदि मैं भारत को जीत गया तो मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि इसको चुनौती दूंगा सेल्यूकस चतुर्थ को मेरा बैक्टीरियाई क्षेत्र भी कब्जे में लूंगा और पूरा सीरिया भी जीत जाऊंगा तो कहानी को यदि आप एक मतलब स्टोरी के रूप में देखें तो ये जो ये जो बैक्टीरियाई क्षेत्र हैं ये जो बैक्टीरियाई क्षेत्र हैं यहां का जो शासक है यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है स्वतंत्र घोषित करने के बाद उसका पुत्र बैठता है द्वितीय वह भी स्वतंत्र घोषित हो जाता है लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है हत्या करने वाला उसका सेनापति सेनापति का पुत्र सेलुकस तृतीय का दामाद बनता है उसे इस क्षेत्र स्वतंत्र मिल जाता है लेकिन इसकी मौत के बाद सेल्यूकस चतुरथ आता है और वो कहता है कि नहीं मुझे तो वो क्षेत्र पुनः चाहिए लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलने के कारण डेमिस्ट्रस सेल्युकस चतुरथ सेनापति को भेजता है हमले के लिए और जैसे ये हमला होने की खबर पता चलती है तो यहाँ के शासक के पास तीन विकल्प है सरेंडर कर ले लड़कर मर जाए या फिर भारत की ओर आगे बढ़े इसको लगता है कि भारत की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर भारत जीत लिया तो इतना शक्तिशाली होगा कि अपना क्षेत्र भी कब्जे में कर लेंगे और ये जो सीरिया से पूरा का पूरा साम्राज्य सेलुकस का चल रहा है उसको भी कंट्रोल कर लेंगे अतः अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण और अधिकार करने के लिए प्रेरित होता इसके अलावा डेमिस्ट्रस को भारत की तत्कालीन केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने की जानकारी थी क्योंकि इस समय अशोक जैसे शक्तिशाली शासक की मृत्यु हो चुकी थी और केंद्रीय शासन अपेक्षाकृत अयोग्य वृहद्रत के हाथों में था वृहद्रत के हाथों में था अतः वन एट्टी फोर वन एट्टी थ्री पूर्व के समीप डेमिस्ट्रियस भारत की ओर प्रस्थान प्रारंभ करता है और इस क्रम में सबसे पहले डेमिस्ट्रियस तक्षशिला के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करता है अब डेमिस्ट्रियस तक्षशिला को अपने कब्जे में करता है तो क्या अब वो कहानी जुड़ पा रही है जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि मौर्य काल में जो आखिरी शासक था वो कमजोर होता है और इधर एक और पिक्चर चल रही है तो यहां से डेमिस्ट्रियस अब हमला कर रहा है और वह तक्षशिला को अपने कब्जे में कर लेता है इसके बाद डेमिस्ट्रियस पंजाब के क्षेत्र में अपनी सत्ता को विस्तार प्रदान करता है और पाकिस्तान का जो सियाल कोट है ना जिसको उस जमाने में साकल के नाम से जानते थे वहां नगर की स्थापना करता है जो साकल था वही फिर पाकिस्तान का सियाल कोट के नाम से जाना जाता है तो डेमिस्ट्रस अब और आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का वर्तमान का सियाल कोट या उस जमाने के साकल नगर की स्थापना करता है साकल को डेमिस्ट्रिय अपने भारतीय क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित करता है मतलब जो भी क्षेत्र अब उसके कब्जे में तक्षशिला आ गया तक्षशिला के बाद पंजाब वाला क्षेत्र आ गया तो वहां की राजधानी साकल को डिक्लेयर करता है और अब वो भारतीय क्षेत्र का शासन करने आ जाता है भारतीय क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ करता है पर भारतीय क्षेत्र मतलब वही वाला वर्तमान का अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान तो उसके हाथ से चला गया पर ये जो सेलुकस चतुर्थ है ना पागल है पीछा नहीं छोड़ता वह अपने सेनापति को कहता है कि सियालकोट पर जाओ हमला करने के लिए साकल पर हमला करने के लिए जाओ इतिहासकारों को दो तरीके के विकल्प लग रहे हैं एक तो इतिहासकारों को लगता है कि शायद वह अपने जो जीजाजी है उसको खत्म करना चाहता है या शायद वह भी भारत की ओर आकर्षित होना चाह रहा है भारत की ओर आकर्षित हो रहा है तो सेलुकस चतुर्थ रुकने वाला नहीं है अभी वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा ध्यान से देखना अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार डेमिस्ट्रियस ने 190 सौ ईसा पूर्व में ईस्वी पूर्व में भारत के अफगानिस्तान पंजाब सिंध के कुछ भागों पर अधिकार स्थापित कर लिया डेमिस्ट्रियस द्वारा भारत में शासन करने के क्रम में भारतीय शासकों के समान विभिन्न उपाधियां धारण की जाती है क्योंकि यहाँ के लोग जो राजा महाराजा जिस तरीके की उपाधियां धारण करते हैं डेमिस्ट्रियस ऐसी उपाधियां धारण करता है ताकि यहाँ के लोगों के साथ वो अपने समानता को दिखा सके इसके पीछे डेमिस्ट्रियस का प्रमुख उद्देश्य था भारत में अपने शासन को स्थायित्व और जनमानस की भावना के अनुकूल लाना डेमिस्ट्रियस द्वारा राजा महान डेमिस्ट्रियस अजय रेक्स इंडोरस ऐसी कई देशी और यूनानी उपाधियां धारण की जाती है तो डेमिस्ट्रियस की ये कहानी अभी आगे भी बढ़ना है तो एक तरीके से डेमिस्ट्रियस की कहानी हमें पता चली कि अब डेमिस्ट्रियस बैक्टीरिया क्षेत्र को छोड़कर भागा भारत की ओर तक्षशिला जीता पंजाब जीता सियालकोट साकल में अपनी राजधानी बनाई यहां के समान यहां के राजा महाराजाओं के समान ही महोदय ने उपाधियां भी धारण कर ली उल्लेखनीय कि अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त द्वारा यवन सेना का सामना नहीं करने के कारण जनता आक्रोश में थी और इसी स्थिति का लाभ उठाकर कालांतर में एक उच्च सेना अधिकारी पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की हत्या कर दी गई और एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली गई जो हम आगे देखेंगे तो यही टाइम था जिस समय हमला हुआ तो जनता कह रही थी कि भाई मौर्य शासक हो तुम तुम्हारे कंट्रोल में तक्षशिला उसको समझाओ और उसको भगाओ यहां से पर जनता की बात का या जनता की बात को न मानते हुए राजा ने ऐसा कोई युद्ध नहीं किया तो उसके सेनापति ही पुष्पमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और एक शुंग वंश की स्थापना की जिसे हम आगे चर्चा करेंगे इतिहासकारों के अनुसार डेमिस्ट्रस सिकंदर के बाद पहला यूनानी शासक था जिसने भारतीय भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया मतलब सिकंदर के बाद अगला डेमिस्ट्रस था जिसने क्योंकि तक्षशिला तो बाद में मिल गया था जीतने जो तक्षशिला था वो वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त की साथ जब विवाह पुत्री का विवाह करवाते हैं तो उसको तक्षशिला वापस दे देते हैं लेकिन फिर डेमिस्ट्रियस था जिसने तक्षशिला को तक्षशिला को एक तरीके से कब्जे में कर लिया था डेमिस्ट्रस ने ग्रीक विवरणों में डेमिस्ट्रियस को भारत का राजा कहा गया उधर के इतिहासकार वो ऐसा ही कहेंगे भारत का राजा भाई भारत का राजा तब तब, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है उसको हरा नहीं देता तो वो उधर के इतिहासकार कहते कि वो भारत का राजा था डेमिस्ट्रस सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कट, मालव शुद्रक जैसे शक्तिशाली गणराज जिस समय तक योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में कमजोर हो चुके थे अतः डेमिस्ट्रस का भारत में कोई प्रबल सैन्य विरोध नहीं किया गया मतलब सिकंदर के दौर में यहाँ पर जो शासक थे काफी शक्तिशाली वो भी कमजोर पड़ चुके थे किस्मत है डेमिस्ट्रस की आगे बढ़ रहा है और उसे सारे कमजोर लोग मिल रहे हैं और लगातार कमजोर लोगों के कारण वो जीतता चला जा रहा है यूनानी आक्रमणों को रोकने में केंद्रीय परिवर्ती मौर्य सत्ता भी अक्षम थी जिन्हें भारतीय साहित्य में अधार्मिक प्रज्ञा दुर्बल से संबोधित किया गया मतलब कहा गया कि इन्होंने धर्म की रक्षा नहीं की भारतीय भूभाग की रक्षा नहीं की अतः केंद्रीय मौर्य शासक भी यूनानी अधिकार से भारत को स्वतंत्र रखने में असमर्थ रहे डेमिस्ट्रस के भारतीय अभियान की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य गारहिता बहुत ही जानी मानी इतिहासकार मानी जाती है कालिदास रचित माल विकाग्नि मित्रम से भी होती है कालिंगराज खारवेल के हाथी गुंफा शिलारेखों में डेमिस्ट्रियस के भारत आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है कलिंगराज खारवेल कलिंगराज राज, कलिंग राज के हाथी गुम्पा शिलालेख में इस शिलालेख में डेमिस्ट्रस को दिमित या दमित्रियस कर संबोधित किया गया शिलालेख में डेमिस्ट्रियस की अपनी सेना सहित पाटलिपुत्र से 70 किलोमीटर दूर राजगृह में उपस्थिति का उल्लेख किया गया मतलब ये जो शिलालेख है इसमें दमित्रियस की उपस्थिति 70 किलोमीटर तक कह दी गई पटना से पाटलिपुत्र से पर इतिहासकार कहते कि नहीं ये सही नहीं है दमिस्त्रियस वही तक था बस इतना अंदर नहीं आ पाया था ऐसा कई लोगों को कहते लगता है हालांकि इतिहासकारों में इस उल्लेख को लेकर मतेक्य का अभाव है या आप देख सकते हैं शिलालेख पर लिखा गया है इसको इतिहासकारों ने जब पढ़ा तो दमेत्रियस का नाम भी मिलता है यह कलिंगरे की हाथी गुंफा में मिलता है कलिंग राज खारवेल के हाथी गुंफा में कलिंग राज के हाथी गुंफा में।, में मिलता यह इसके अलावा क्रमदीश्वर के सिद्धांत में भी डेमिस्ट्रियस का उल्लेख मिलता है क्रमदीश्वर के इस रचना में दत्त मित्री नामक एक नगर का उल्लेख मिलता है तो सिंधु नदी के क्षेत्र में स्थित था दत्त मित्री नामक एक नगर भी मिलता है यूनानी लेखक स्ट्रेबो के विवरण में जो ग्राफिका से ज्ञात होता है कि डेमिस्ट्रस के भारत पर आक्रमण के समय मिलिंद प्रमुख सहयोगी अथवा संभवतः सेनापति था मतलब इस समय जो स्ट्रेबो का इतिहासकार लिखता है यह कहता है कि डेमिस्ट्रियस जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो मिलिंद या मिनिंडर मिनेंडर उसका प्रमुख सेनापति था और इतिहासकारों के अनुसार डेमिस्ट्रस पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करवाए मतलब सोने के सिक्के लाने का जो श्रेय है वो डेमिस्ट्रियस को जाता है डेमिस्ट्रियस को जाता है दूसरी ओर सेलुकस चतुर द्वारा भेजे गए सेनापति यूक्रेटाइडिस के नेतृत्व में बैक्टीरियाई क्षेत्र पर पुनः केंद्रीय सत्ता स्थापित हो जाती है समय भारत के तक्षशिला और पंजाब के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है सेलुकस चतुर तो उसके पीछे पड़ा है उसने बैक्टीरियाई पर अपना कब्जा कर लिया है और ये जो है आगे आ गया चुका है तक्षशिला पंजाब के सियालकोट से अपना शासन चला रहा है ये अभी पाकिस्तान के सियालकोट से सॉरी सेलुकस चतुर्थ का सेनापति यूक्रेटाइडिस बैक्टीरियाई क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद तक्षशिला की ओर प्रस्थान करता है हालांकि स्पष्ट नहीं कि यूक्रेटाइडिस डेमिस्ट्रस का पीछा कर रहा था या भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार पर मैं बताता हूं मैं बताता हूं भले इतिहासकार ना बता पाए ठीक है उतना इतिहास नहीं जानते लेकिन हवाबाजी तो कर सकते हैं एक्चुअली यूक्रेटाइडिस तक्षशिला पर आता है तक्षशिला जीत लेता है और जैसे ही तक्षशिला जीतता है तो वापिस चला जाता है अगर वो भारत की ओर आकर्षित होने वाला होता तो फिर वो और आगे बढ़ता पर वास्तविक रूप में मुझे जो लगता है कि ये महोदय केवल अपने जीजा को मारने के पीछे पड़ा हुआ था और अपने सेनापति को कह रहा था कि उसको मार के ही आना मतलब उनका समापन ही करके आना बाकी उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था। यूक्रेटाइडिस के तक्षशिला पहुंचने से पहले डेमिस्ट्रियस भागकर आधुनिक मथुरा के क्षेत्र में चला जाता है यह बेचारा भाग रहा है अब तक्षशिला पहुंचा तक्षशिला पहुंचा यूक्रेटाइडिस यूक्रेटाइडिस तक्षशिला पहुंचता है और तक्षशिला जैसे यूक्रेटाइडिस पहुंचता है तो यह भागते हुए अब सीधा मथुरा पहुंच रहा है मथुरा तक बिना किसी युद्ध के तक्षशिला को जीतने के बाद यूक्रेटाइडिस वापस लौट जाता है और बैक्टेरिया क्षेत्र पर अपना शासन संचालित करता है वापिस लौट गया अगर वो लौटता नहीं तो हम मानते कि उसकी इच्छा होती शायद भारत में हमला करने की मुझे बताना कि आपको क्या लगता है मेरे विचार से अगर वो सच में भारत पर शासन करना चाहता तो उसको तक्षशिला तो बिना युद्ध के मिल गया था वो और आगे बढ़ सकता था डेमिस्ट्रस जैसी मथुरा चला गया तो वो वापिस लौट गया मतलब उसका मकसद भारत नहीं केवल अपने जो उसके शाशक का जीजा है, उसको मारना था। उल्लेखनीय कि में यूनान के केंद्रीय शासक सेलुकस चतुर्थ के विरुद्ध विद्रोह करते हुए स्वयं को बैक्टीरिया का स्वतंत्र शासन घोषित कर देता है सेलुकस चतुर्थ जिसने अपने परिवार से धोखेबाजी करते हुए उस क्षेत्र को अपने अधीन करने की कोशिश की थी और यूक्रेटाइडस जैसे सेनापति को भेजा था यूक्रेटाइडिस सेनापति अब बैक्टीरियाई क्षेत्र का शासन कर रहा था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया सेलुकस चतुर्थ से इसे कहते हैं जब बोया पेड़ बबुल का तो बेर कहां से आए मतलब जब पहले से आपने धोखा दिया क्योंकि उसके पिताजी ने तो उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था पर इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कंट्रोल नहीं हो रही थी तो इसको भी वैसा ही धोखा झेलना पड़ा यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को बैक्टीरियाई क्षेत्र की राजधानी बना देता है यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को बैक्टीरियाई क्षेत्र की राजधानी बनाता है हालांकि कई ग्रीक विवरणों में उल्लेख मिलता है कि यूक्रेटाइडिस पर अधिकार करने के बाद कई बार भारत पर आक्रमण करता है और भारत के लगभग 1500 नगरों पर शासन स्थापित करता है पर भारत का मतलब अभी भी पश्चिम वाला हिस्सा ही पंजाब वाला हिस्सा ले लीजिए पाकिस्तान वाला हिस्सा ले लीजिए अफगानिस्तान का क्षेत्र ले लीजिए वहीं तक वो हमला करते हुए कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि फिर जब ये बैक्टीरियाई क्षेत्र का शासक बनता है तो ये भी भारत की ओर आक्रमण ज्यादा करता है और लगातार कई भारत की ओर आक्रमण करने के बाद यह 1500 नगरों को अपने कब्जे में करता है हालांकि इन विवरणों के कालक्रम के निर्धारण में स्पष्टता का अभाव है किंतु इतना अवश्य उल्लेखित है कि यूक्रेटाइडीज ने भारत के उत्तर पश्चिम में झेलम झेलम नदी तक शासन स्थापित कर लिया था इसका विवरण तत्कालीन लेखक स्ट्रेबो के लेखों से मिलता है तो इतना तो कन्फर्म था कि झेलम झेलम नदी नदी तक, नदी तक इस महोदय यूक्रेटाइडिस ने यूक्रेटाइडिस ने अपना शासन स्थापित कर दिया था पश्चिमी पंजाब से यूक्रेटाइडिस के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर यूनानी अथवा खरोस्टी लिपि में शासक का नाम अंकित है इससे पुष्टि होती है कि संभवतः भारत के पश्चिमी पंजाब और गांधार प्रदेश तक यूक्रेटाइडिस का शासन था भारत में मौर्य वंश के समाप्त होने पर दो प्रकार के विदेशी शासकों का शासन स्थापित हो चुका था यूक्रेटाइडिस वंश का शासन जो कि बैक्टीरिया से लेकर झेलम तक था और दूसरा डेमिस्ट्रस का शासन जो झेलम से लेकर लगभग मथुरा तक था तो इधर डेमिस्ट्रस ने मथुरा तक का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया है तो आप समझ सकते हैं कि मथुरा से लेकर झेलम तक में डेमिस्ट्रियस है और दूसरे में है यूक्रेटाइडीज तो अब आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी कि ये यूक्रेटाइडिस और ये डेमिस्ट्रस कहां से आए हैं यूक्रेटाइडिस और डेमिस्ट्रस कहां से आए हैं यूक्रेटाइडिस वंश की भारतीय राजधानी तक्षशिला थी जबकि डेमिस्ट्रिय वंश ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था तत्कालीन लेखों में यूक्रेटाइडीज और डेमिस्ट्रियस के भारतीय शासकों के साथ युद्ध का तो उल्लेख मिलता है किंतु किसी भारतीय शासक के साथ युद्ध लड़े गए इसका कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण नहीं मिलता मतलब इन दोनों के द्वारा माना तो जाता है कि युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई प्रमाण सही चीजें नहीं आई है अब आते हैं मिलिंद अथवा मिनेडर मिलिंद अथवा मिनेंडर ये कोई और नहीं डेमिस्ट्रियस का सेनापति है डेमिस्ट्रियस डेमिस्ट्रियस का सेनापति डेमिस्ट्रियस की मृत्यु के बाद मिनेंडर ने भारतीय भूभाग के अंतर्गत गुजरात से लेकर मथुरा तक शासन किया मिनेंडर का एक अन्य नाम बेरी गाजा था बेरी गाजा तो मिलिंद और मिनेडर मिने, मिलिंद मिनेंडर या फिर बेरी गाजा ये डेमिस्ट्रियस का सेनापति जो कि डेमिस्ट्रियस की मौत के बाद शासन चलाता है गुजरात से लेकर मथुरा तक उल्लेखनीय कि उस समय बेरी गाजा गुजरात में एक बंदरगाह का नाम भी था मिनेंडर ने अपने अन्य नाम बेरी गाजा के आधार पर इस बंदरगाह का नामकरण शायद किया होगा मिनेंडर पहला यवन शासक था जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है तो मिनेंडर कोई और नहीं डेमिस्ट्रियस का सेनापति है और डेमिस्ट्रियस का यह सेनापति पहला यवन शासक है पहला यवन शासक है ग्रीक इंडो शासक है जिसका बौद्ध साहित्य में भी उल्लेख मिलता है इतिहासकार कई मानते हैं कि डेमिस्ट्रियस की भी शायद इसी के द्वारा हत्या भी की गई होगी कई मानते कि डेमिस्ट्रियस की प्राकृतिक मौत हुई थी मिनिंडर के नाम पर ही नागसेन रचित मिलिंद पनो नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया है जिससे पुष्टि होती है कि संभवतः मिनिंडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था मिनेंडर के नाम पर ही नागसेन रचित मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया है नागसेन के द्वारा मिनेंडर पर मिलिंद नामक ग्रंथ लिखा गया मिलिंद पनो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर के बीच संवाद का उल्लेख प्रश्नोत्तर के रूप में प्राप्त होता है स्ट्रेबो के अनुसार मिनेंडर ने सिकंदर से अधिक प्रदेश जीते तथा हाईफेनस व्यास नदी पार करते हुए इसेमस कालंदी अथवा यमुना अथवा इक्षुमती तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था ये सब नदियों के नाम यूनानी भाषा में है तो ये जो आ, मिनेंडर मिनेडर है मिलिंद है मिलिंद या मिनेंडर है इसने भी सिकंदर से ज्यादा शासन ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया अधिक प्रदेश जीते खास करके भारत के काबुल मथुरा बुंदेलखंड मिनेडर के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए जो पुष्टि करते कि संभवतः इस क्षेत्र में मिनेडर का शासन संचालित होता था इन सिक्कों के मुख्य भाग पर मुकुट धारण किए हुए राजा की तस्वीर अंकित है तथा पृष्ठ भाग पर खरोस्टी लिपि में मिलिद्रस लिखा हुआ है मिलिद्रस कुछ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए जिन पर यूनानी अथवा प्राकृत भाषा में मिनेंडर का नाम मिलता है यह है मिनेंडर मिनेंडर के नाम से यहां पर चीजें दिखाई देती हैं। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर मुकुट धारण के राजा की तस्वीर अंकित है पृष्ठ भाग पर लिपि में लिखा हुआ है। कुछ तांबे के सिक्के भी हैं जिन पर यूनानी लिखा हुआ है मिनेंडर की मृत्यु 120 सौ इस विपूर्व लगभग 40 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से हो जाती है और मिनेंडर की मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो स्ट्रेटो जो राइटर था लिखने वाला वो स्ट्रेबो है कंफ्यूज मत हो जाइएगा वो राइटर स्ट्रेबो है स्ट्रेबो और इनका पुत्र है स्ट्रेटो अल्प आयु का था और मिनेंडर की पत्नी एगल एगथोलकिया ने सत्ता का वास्तविक संचलन किया था तो माना जाता है कि भारत की पहली महिला शासक एगथोलकिया रही प्राचीन भारतीय इतिहास की संभवतः यह पहली महिला शासक थी वैसे तो पुत्र शासक था लेकिन वास्तविक सत्ता तो इसी के पास थी के शासन काल के बारे में कुछ विशेष प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है अंत में योग्य उत्तराधिकारी के अभाव के कारण यवन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो मिनेंडर की मौत के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो जो कि बहुत ही कम आयु का था पर मिनेंडर की पत्नी एक थोल किया सत्ता को संभालती हैं। धीमे धीमे यह समाप्त होता है यवन साम्राज्य इसके अलावा शकों ने बैक्टीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली इसके बाद शको ने आगे बढ़ते हुए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत के हिंद यवन राज्यों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया शक अथवा सीतियन भी मूलतः विदेशी थे जिन्होंने हिंद यूनानी शासकों के बाद भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो अब इसके बाद दूसरे विदेशी आक्रामक आ रहे हैं वो है शक और शकों ने उन सारे हिस्से पर जहाँ डेमिस्ट्रस था या फिर उसका जो सेनापति था सेलुकस चतुर्थ का उसके पूरे शासन को अपने कब्जे में ले लिया हिंद यवन आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े तो अभी शकों को हम आगे देखेंगे कि ये शक कहाँ से आए और इन्होंने किस तरीके की बातचीत की तो ये जो शक हैं ये अब दूसरे तरीके से आक्रमण करेंगे पश्चिमी भाग से आक्रमण करते हुए पहले डेमिस्ट्रस और जो यूथेनाइडस है उसका भी शासन समाप्त करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे यूक्रेटाइडिस हिंद यवन आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव तो सबसे पहले गांधार कला हिंद यवन के भारत आगमन का सर्वाधिक प्रभाव भारत की मूर्तिकला पर पड़ा भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली यूनानियों की देन है जो कि भारतीय मूर्तिकला और यूनानी मूर्ति कला का मिश्रण मानी जाती है तो भारत की जो गांधार मूर्ति कला है ना, एक्चुअल में क्या था कि यूनानी देवता थे और इधर कुछ यूनानी बुद्ध धर्म को भी अनुयायी बन चुके थे तो उन्होंने बुद्ध को और यूनानी देवताओं को मिश्रित करने की कोशिश की है जो यूनानी मूर्तियां बनती थी उसमें मसल्स को दिखाने की कोशिश की जाती थी मूर्तियों में तो भारत में भी अब कुछ ऐसी मूर्तियां बनने लगी जिसमें बुद्ध की, की मांसपेशियों को दिखाने की कोशिश की जाने लगी गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी या रोमन थी इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन ग्रीको बुद्धिस्ट हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है तो ये गांधार कला विकसित हुई तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि गांधार कला ऐसी अलग से क्यों है यवनों के भारत आगमन से पूर्व भारत में मथुरा कला प्रचलित थी जिसमें मूलतः भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी मथुरा कला में आध्यात्मिक पक्ष को आध्यात्मिक महत्व दिया जाता था जबकि शारीरिक बनावट अथवा सुंदरता के पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था तो यवनों से पहले भारत में मथुरा कला की मूर्तियां मिलती हैं जिसमें मेन रूप से शरीर की बनावट की जगह पर उनके भाव उनके एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश की जाती थी उनके चेहरे को शांत स्वभाव के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती थी लेकिन यवनों के हमले के बाद गांधार कला विकसित हुई अब यहां शारीरिक बनावट पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा भाई जबकि ग्रीक अथवा यूनानी मूर्ति कला में आध्यात्मिक पक्ष का कोई स्थान नहीं था केवल शारीरिक सुंदरता और बनावट के साथ भौतिक पक्ष की प्राथमिकता थी दूसरे शब्द में गांधार कला यथार्थवादी है और मथुरा की आदर्शवादी है गांधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं मानव शरीर की सुंदर रचना मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का सिलवटों के साथ प्रयोग यवनों के आगमन के बाद भारत की मथुरा कला और ग्रीक कला के सम्मिश्रण से गांधार कला का विकास हुआ क्योंकि गांधार यवनों के शासन का प्रमुख भारतीय भूभाग था और इसी क्षेत्र में इस कला का विकास हुआ इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है तो जब मैं आर्ट एंड कल्चर में गांधार कला पढ़ा रहा था तो मैं उतना कंफ्यूज या उतना क्लियरली आपको समझा नहीं पा रहा था उसका कारण था क्योंकि इतिहास का यह पहलू आपको पूरी कहानी के रूप में समझ नहीं आ पा रही थी तो ये जो यवन आए थे ये जो ग्रीक इंडो आए थे हिंद यवन या ग्रीक इंडो के कारण जो मथुरा कला में परिवर्तन हुए गांधार वाले क्षेत्र में उससे गांधार कला का विकास हुआ जहां शरीर की बनावट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था पारदर्शी वस्त्र मूर्तियों पर जनरली यूज किए जाते थे आप देख सकते हैं कि अब ये गांधार कला देखना मथुरा कला का अगर आप मूर्ति देखेंगे तो वहां कोशिश की गई है उनके चेहरे के हाव भाव उनके शांत स्वभाव को दिखाने की और वही पर आप देखेंगे कि गांधार कला में कोशिश की गई है उनकी मांसपेशियों को भी एक सुंदर शरीर और एक सुंदर चेहरा देने की मतलब यहां पर मूर्ति की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जबकि यहाँ पर आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है गंधार कला में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान प्रतीत होती है गांधार कला में बुद्ध को पुनः प्राय घुंगाले बाल और मूछ ललाट पर अड़ना सिर के पीछे प्रभा मंडल वस्त्र सलवट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाए गए हैं आप देख सकते हैं कि बुद्ध को भी अब आप बुद्ध के नाक पर गौर करिए कि यहां बुद्ध का नाक कैसा है यहाँ पर आप नाक पर देखें कि कितना परिवर्तन आ चुका है और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि कितना और परिवर्तन आप देख पाएंगे तो रोमन उनके देवता जो थे उनके जैसा वह आखिरी में चेंज करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से जो मथुरा कला है जो मथुरा कला है वो मिश्रित होती हुई दिख रही है या जो यूनानी कला के साथ और इन दोनों का मिश्रण बनता है गांधार कला बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त गांधार शैली की कुछ देवी मूर्तियां भी मिलती है इसमें देवी रोमा की मूर्ति विशिष्ट है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पांचिक हरती कुबेर इंद्र ब्रह्मा सूर्य आदि का भी चित्रण इस कला में मिलता है 2019 में गांधाराई कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए मतलब इस कला में कौन कौन से एशियाई गुण थे और कौन कौन से यूनानी तत्व शामिल थे? 2019 जीएस पेपर वन में पहला प्रश्न पूछा गया था और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी लाल लाली को इसमें दिक्कत आएगी तो अब गांधार कला भी आपको इससे समझ में आई होगी यवन शासकों से पूर्व भारतीय सिक्कों पर के के चित्र ही अंकित रहते थे शासकों का नाम उत्कीर्ण नहीं किया जाता था शासक का नाम या राजा का चित्र ही अंकित होता था राजा के चित्र ही अंकित रहते थे किंतु जब उत्तर पश्चिमी भारत पर यवन शासकों का शासन प्रारंभ हुआ तो सिक्कों पर राजाओं के नाम उत्कीर्ण किए जाने लगे मतलब हमारे देश में भारतीय शासक जो होते थे मौर्य काल में भी तो वो केवल अपना फोटो छापते थे पर नाम नहीं लिखते थे पर ये जो यवन आए हिंद यवन आए ग्रीक इंडो आए या इंडो ग्रीक आए इन्होंने अपनी आ, फोटो के साथ साथ अपने चित्र के साथ साथ नाम लिखने की भी शुरुआत की नाम लिखने की भी शुरुआत की वास्तव में सिक्कों के इतिहास की दृष्टि से यह काल अभूतपूर्व है सिक्कों की मात्रा से नहीं अपितु विविध धातु और विविध इकाइयों में मिलने वाले सिक्कों से यह संकेत मिलता है कि मुद्रा प्रणाली जनजीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी तो आप इन सिक्कों से भी देख सकते हैं और मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने लोगों ने आज पहली बार ये कहानी प्रॉपर तरीके से समझी कि डेमिस्ट्रस कौन था मिलिंद कौन था किस तरीके से हिंद यवनों का हमला होता है गांधार कला कितने लोगों को अब बारीकी से समझ में आ गई और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अब शक आएंगे शक हमला करके इस क्षेत्र को अपने कब्जे में करेंगे तो हमें एक एक कहानी समझ में आ जाएगी ये कमेंट जरूर करते चलिएगा कि आपको आज की कक्षा में कितनी नई बातें पता चली और कहानी के रूप में बात कितनी समझ में आई आपके ये कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको कंटेंट कितना खूबसूरत लगा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत मौर्योत्तर काल में पढ़ते चलिएगा रिवीजन करते चलिएगा एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा लाइक और शेयर करने की आदत बनाए रखना है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत